अस्सलाम वालेकुम, आई एम अनु मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन, और आज हम बात करेंगे जी एसिड रिफ्लक्स के हवाले से कि अगर एसिड रिफ्लक्स है तो उसमें कौन कौन सी जो फूड है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। एसिड रिफ्लक्स में तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, आपका सिटिंग पोजिशन, आपकी क्वान्टिटी ऑफ फूड एंड टाइप ऑफ फूड, किस टाइप का फूड था, किस क्वान्टिटी में आपने खाया और किस पोजिशन में बैठ के खाया। तो ये तीन चीज़ें जो आपकी एसिड रिफ्लक्स है उसकी वजह भी बन सकती हैं और उससे जो है आपको बचा भी सकती हैं। ठीक है जी, अब बात आती है कि कौन सी चीज़ें एसिड रिफ्लक्स में हमें नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ नंबर वन, आप लोगों ने लेट कर खाना नहीं खाना, बैठ कर खाना खाना है हमेशा। दूसरी चीज़, आप लोगों ने स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है, स्मोकिंग आपकी जो एसिड रिफ्लक्स है उसको बढ़ाएगा। तीसरा, कैफीन का बहुत ज़्यादा इंटेक एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है। खाली पेट चाय नहीं पियेंगे खाने के फौरन बाद चाय नहीं पियेंगे वो लोग जिनको एसिड रिफ्लक्स का इशू है। फोर्थ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड से अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है वो आप लोगों ने नहीं लिया। फिफ्थ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्राइड बहुत ज़्यादा फैटी फूड जो है उससे अवॉइड किया। ये पाँच सिंपल स्टेप्स थे जिससे आप लोग अगर अवॉइड करते हैं तो अपना जो एसिड रिफ्लक्स है उससे बच सकते हैं। जब एसिड रिफ्लक्स होता है ना तो वो आपकी पूरी की पूरी जेल लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। एसिड वाला तेजाबियत वाला खाना जब वापस हमारे खुराक की नाली से मुंह में आता है तो हमारी जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ पर जलन पैदा करता है, वो सारे वहाँ पर अल्सर्स बनाता है क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उस टाइम पर जब हमारे खाने के साथ स्टमक में मिक्स होता है, तो वो सारा के सारा हमारे सिस्टम को जो है हमारी लाइनिंग को इन्फ्लेम्ड करता है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से बचें और ज़्यादा खाना खाएं, बहुत ज़्यादा तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज करें और कोशिश करें कि खाने के फौरन बाद, जैसे कि हमारी सुन्नत भी है कि 40 कदम चलें, तो इसका मतलब ये है कि आप खाने के 5-7 मिनट का वक्फा देकर 5-7 मिनट के लिए हल्की सी चहलकदमी कर दें, थोड़ा से बेबी स्टेप्स के साथ चल लें, लेकिन एकदम से जो है वो आप ना लेटें और बहुत ज़्यादा ना खाएं। जैसे हमारे सुन्नत में ये भी है कि खाना इकदार में रहते हुए खाएं, अपनी भूख रख कर खाएं। इसका मतलब ये है कि आप स्मॉल पोर्शन में खाएं, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो एसिड रिफ्लक्स का बाइस नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कुछ स्टेप्स सिंपल से स्टेप्स थे जिनको आप लोग घर में फॉलो भी कर सकते हैं और किसी दवाइयों के बगैर, किसी और टोटके नुस्खों के बगैर आप अपने एसिड रिफ्लक्स से जो है वो खुद बच सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई और क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता दें और अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।